दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर संभाग में स्थित एक खूबसूरत जिला मुंगेली के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मुंगेली जिले की कई ऐसी अनसुनी बातें हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए देर न करते हुए फिर चलते हैं मुंगेली की शानदार सफर पे। मुंगेली, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुरानी तहसीलों में से एक माना जाता है, जो अपने कई मूल्यवान संसाधन और अपने खूबसूरत पर्यटक स्थलों के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। वहीं मुंगेली जिले को 1 जनवरी 2012 में बिलासपुर जिले से विभाजित कर एक नया जिला बनाया गया था, जिसे 711 गांव, 3 ब्लॉक और 6 तहसीलों में बांटा गया है। वहीं तहसीलों में लोरमी तहसील, मुंगेली तहसील, लालपुर थाना तहसील, पथरिया तहसील, जरहा गांव उप तहसील और सरगांव उप तहसील शामिल है। मुंगेली जिले की प्रशासनिक मुख्यालय मुंगेली शहर में स्थित है। वहीं मुंगेली जिले की क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन ये जिला 2750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां की वर्तमान समय में जनसंख्या 7,80,000 के करीब है, जिसमें से 97% हिंदू, 1% मुसलमान और बाकी 2% अन्य समुदाय के लोग हैं। वहीं इस जिले की कुल आबादी में प्रति 1,000 पुरुषों पर 974 महिलाएं हैं और यहां की प्रत्येक आबादी 428 प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहती है। वहीं मुंगेली जिले की 10% आबादी ही शहरों में निवास करती है और 90% आबादी गांव में रहकर अपनी जीवन यापन करती है। मुंगेली जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खेती किसानी और कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों पर आधारित है। वहीं मुंगेली जिले की लोरमी तहसील एक ऐसा नगर है जिसे जिले की सबसे सुंदर स्थान माना जाता है, जहां आपको ऐतिहासिक, धार्मिक और खूबसूरत अचानक मार्ग अभ्यारण्य देखने को मिलता है। और इसी तहसील में स्थित है खुड़िया जलाशय, जिसे राजीव गांधी जलाशय के नाम से भी जाना जाता है, जो मुंगेली जिले की सबसे बड़ी जलाशय है। वहीं मुंगेली जिले की सबसे प्रसिद्ध मेला मड़ई सेत गंगा पथरिया मुंगेली और लोरमी शहर में लगता है, जहां ग्राम सेत गंगा मुंगेली जिले का तीर्थ कहलाता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत आइलैंड मुंगेली जिले में ही स्थित है, जिसे हम मदको द्वीप के नाम से जानते हैं। और इस आइलैंड को मुंगेली जिले की सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थल भी माना जाता है। वहीं मुंगेली जिले को छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित हो रहे जिलों में भी गिना जाता है, जो बिलासपुर संभाग का चौथा सबसे बड़ा शहर भी कहलाता है। इसके अलावा मुंगेली छत्तीसगढ़ राज्य का एक ऐसा जिला भी है जो राज्य का पहला महिला प्रधान जिला है। वहीं मुंगेली शहर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी नया रायपुर से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर है और संभाग मुख्यालय बिलासपुर से लगभग 52 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंगेली जिले में चलने वाली गाड़ियों की वाहन कोड CG28 है। वहीं मुंगेली जिले से 5 प्रमुख नदियां बहती हैं, मनियारी नदी, आगर नदी, रहन नदी, शिवनाथ नदी और मोहपाड़ नदी। इसके अलावा मुंगेली जिला शिक्षा के दृष्टि के आज के समय में काफी विकसित हुआ है, जहां की कुल साक्षरता दर 65% के करीब है। और यहां की शिक्षा संस्थानों को देखें तो सोनकर कॉलेज, डॉक्टर JP मिश्र गवर्नमेंट साइंस कॉलेज, ममतामयी मिनी माता कॉलेज, सुखनंदन कॉलेज, राजीव गांधी आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, वीरांगना अवती बाई लोधी कॉलेज पथरिया, गवर्नमेंट कॉलेज सरगांव, गवर्नमेंट नवीन कॉलेज सेतगंगा, गवर्नमेंट कॉलेज कोटरी एवं गवर्नमेंट SNG कॉलेज मुंगेली जैसे कई और अन्य शिक्षा संस्थान मुंगेली जिले में स्थित है। मुंगेली जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं छत्तीसगढ़ी,
हिंदी एवं अन्य है। वहीं मुंगेली अपने सड़क मार्ग के जरिए बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग जैसे कई अन्य शहरों से जुड़े हुए हैं, जहां से आप बस या प्राइवेट गाड़ियों के जरिए मुंगेली शहर आसानी से पहुंच जाएंगे। वहीं मुंगेली जिले की पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो यहां पर कई खूबसूरत प्राचीन पर्यटक स्थलें देखने को मिलता है, जिनमें सेत गंगा, खुड़िया जलाशय, अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, माँ भुवनेश्वरी मंदिर, माँ बम्हनदाई मंदिर, मनकुदीप, शिव घाट, खर्रा घाट, भारत माता मंदिर, अमर टापू मोतीमपुर, हथनी कला मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, मुंगेली गार्डन एंड स्टेडियम, तेमरी नवागांव मंदिर, शक्ति माई मुंगेली, नौ देवी मंदिर मुंगेली, काली मंदिर एवं धुमेश्वर मंदिर सरगांव मुंगेली जिले की प्रमुख देखे जाने वाला स्थान है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।